पूर्णिया में अतिक्रमण कार्यों पर हो रही कार्रवाई पर पूर्णिया डीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी पूर्णिया में इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और 6 माह के अंदर पूर्णिया की सूरत बदलने वाली है, क्योंकि इसके लिए जिला प्रशासन के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम किया जाना है। पूर्णिया डीएम सुहर्ष भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा कि अभी अतिक्रमण कार्यों पर उनका चेहरा देखकर या उनकी स्थिति देखकर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि सामान्य रूप से कार्रवाई की जा रही है ताकि हम पूर्णिया को बेहतर पूर्णिया बना सकें। लेकिन खास बात यह है कि इस कार्रवाई में जितने भी दुकानदारों की दुकानें टूटी हैं उसकी सूची उन लोगों के पास है, और जब कभी भी जिला प्रशासन दुकान बनाएगी तो वैसे लोगों को लॉटरी के माध्यम से प्राथमिकता के साथ दुकानें आवंटित की जाएंगी। इससे वैसे दुकानदारों का भविष्य और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। पूर्णिया डीएम ने कहा कि बहुत जल्द अवैध निर्माण वाले भवन को भी हटाया जाएगा और जिला प्रशासन समय समय पर मीडिया के माध्यम से अपने कामों की जानकारी आम जनों तक पहुंचाएगा। इस दरमियान पूर्णिया डीएम ने गुलाबबाग में कैसे ड्रीम प्रोजेक्ट साकार किए जाएंगे इसकी भी विस्तृत जानकारी दी और गंगा दार्जिलिंग रोड के साथ साथ अन्य इलाकों में जितने काम किए जाने हैं उसकी भी संक्षिप्त जानकारी उन्होंने दी। के क्रम में जो जो चीज़ कठिनाइयाँ एज अ आम नागरिक जो जो मुझे समझ में आई तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ यहाँ पे बहुत कंसल्टेशन के साथ भी काफ़ी लोगों से फीडबैक लेने के बाद भी पता निकाला और जो यहाँ पे ये स्वरूप में हम लोग कैसे पहुँचे। दुनिया का इतना गौरवशाली इतिहास है, आप गजेटियर पढ़ेंगे या पुराना डॉक्यूमेंट्स जब देखेंगे तो कितना बड़ा था वो सब लोग जान रहे हैं। आज का कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस्लामपुर सब डिवीजन सब इसी डिस्ट्रिक्ट में था और ये बहुत ही ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है। आपको पता होगा ये बिहार का सबसे पुराना जिला है। 1765 में जब बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, जब बंगाल का उसको दीवानी राइट मिला 1765 में, तो सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी का, बंगाल की रियासत का सबसे पुराना जिला में से एक, सबसे पुराना ही है। भागलपुर भी 2 साल नया है हम लोगों से। तो समझिए कितना गौरवशाली इतिहास है आपके इस डिस्ट्रिक्ट का। तो वो जब आप देखते हैं तो उस स्थिति को तो काफ़ी पुरानी बात है। अगर अभी आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में 30-40 साल के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो हम लोग का जो जगह होनी चाहिए थी, जो हम लोग का गौरवशाली स्थान है, जो गरिमामयी हम लोग की उपस्थिति दर्ज है पूरे इतिहास के पन्नों में, उससे आज हम लोग जिस स्थिति पे आ गए हैं तो मुझे आप लोग सब, मुझे लगता है अधिकांशतः लोग सहमत होंगे इस बात से कि हम लोग को और टर्म से और हम लोग पोटेंशियल हम लोग का बहुत हाई है। हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने रिसोर्स के दायरे में, अपने सारे संसाधनों के दायरे में, अपने जो नियम कानून जो सब हम लोग को सपोर्ट मिलता है उसके दायरे में। तो पूरे आसपास के एरिया का कम से कम 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट का, पूरा सीमांचल कोसी का एरिया हो गया इधर भागलपुर तक, मतलब 100 किलोमीटर एटलीस्ट समझ लीजिए कि हमसे अच्छी जगह शहर के हिसाब से। और जो भी अगर आप शहरी क्षेत्र में देखें तो जो प्लानिंग और जिस भी तरीके से इस शहर को बसाया गया है उस हिसाब से अगर हम लोग उसको प्रिजर्व नहीं करते हैं, इसको और बेहतर बनाने का प्रयास भी अगर नहीं करते हैं तो आने वाला समय हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। जो ये शहर, अब शहर का हम लोग का जो यहाँ का परिवेश है, जो शहर है, आप ये समझिए पूर्णिया एज अ शहर, शहर कैसे बनता है, गांव से शहर क्या बनता है। अगर शहर गांव ही बड़ा हो जाए, आबादी उसकी 10 लाख हो जाए तो उसको शहर नहीं कह सकते हैं। अगर कोई गाँव ही है जहाँ पर आबादी उत्तर बिहार में गाँव का साइज बड़ा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, साउथ के बिहार में पॉपुलेशन की डेंसिटी थोड़ी कम है, गांव दूर दूर तक में आपका वो रहता है, लेकिन उत्तर बिहार में अगर आप देखेंगे तो 15,000-20,000 का पंचायत बहुत आम बात है, बहुत आम है। अगर वही पंचायत की आबादी अगर 1 लाख हो जाए, नगर परिषद में 25,000 हो जाता है नगर पंचायत, तो अगर वो 30,000 या 50,000 भी देखिए इतनी नगर अर्बन लोकल बॉडीज बन गई, अर्बन लोकल बॉडीज बन गई, 10 लाख आपका शहर हो जाएगा, आप भी महानगर हो जाइएगा। 2 लाख की आबादी का गांव और 1 लाख की आबादी के शहर में क्या अंतर है? कुछ तो चीज होगा ना, जो सुविधा के टर्म्स में, सेवाओं के टर्म्स में, फैसिलिटीज के टर्म्स में, जो एक ग्रामीण परिवेश को शहरी परिवेश से अलग बनाता है। और ये जो शहर है, आप ये समझिए ये शहर कितने लोगों के जीवन को ये चला रहा है। आसपास का अगर आप अपना कमिश्नरी ही अपना देखिए बस, तो अपनी कमिश्नरी की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है।
गुलाब बाग मंडी 30,000-35,000 करोड़ का सालाना व्यापार करता है। अब एक ट्रक आता है वहाँ, उसको आ करके सामान लोड करके डाउनलोड करने में, फिर वापस लेके जाने में 5 दिन का समय लगता है। 2 दिन उसको आने में लाइन लगना है ट्रक पे, 2 दिन उसको गोदाम के अंदर जाकर के सुखाना है गोदाम पे, तो 7 से 10 दिन उसको यही रहना है। ये चीज़ अगर हम लोग बस व्यवस्थित करते हैं गुलाब बाग को, 30-40% भी ट्रेड बढ़ता है अगर इसको ठीक करने से, तो समझिए कितनी समृद्धि आ रही है। वो आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हवा है, दो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्या जा रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जो बेसिक कठिनाइयाँ, मैंने बस एक गुलाब बाग का एग्जाम्पल इसी ले लिया, उस ट्रेड से आप समझिए कि इस एरिया के कितने किसान लोग इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, व्यापारियों को छोड़ दीजिए, सामान किसका आ रहा है। तो उस तरीके से वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वहाँ पे चल रही है। अब उसको सुविधा देना है हम लोगों को, जब उसको आप दीजिएगा पूरा हब है, तो अपने आप उसका जो बेनिफिट है नीचे ट्रिकल डाउन होकर के ट्रांसपोर्टर हो, व्यापारी हो, किसान हो, सबको उसका फायदा मिलेगा। तो कभी ना कभी तो ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। अब छोटी सी चीज़ आप लोगों को हम बताते हैं, जो प्लानिंग अभी हम लोग के द्वारा ये पूरे ड्राइव में किया गया है वो हम लोग शेयर भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग का भी मकसद था कि क्योंकि इस तरीके का ड्राइव हम लोग कभी चलाए नहीं थे, चला नहीं था इतने बड़े पैमाने पे, तो हम लोग को भी नहीं पता था कि कितना सफल होगा, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से पूरी प्लानिंग जो है उसको आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं किया गया है। हम लोग भी देख रहे थे, आज 6 दिन कम्प्लीट हुआ, लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं एक दो एग्जाम्पल, या फिर जो अभी बताया गया एक अपने वरिष्ठ बंधु के द्वारा, अफवाह या मिसकम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन गैप जो भी कह लीजिए उसको, तो इसमें जो है हम लोग को ये देखना था कि कितने हद तक हम लोग क्या सफल हो रहे हैं, कितना हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के कि डिस्ट्रिक्ट के जो नॉर्मल लोग हैं, बाकी लोग, या हम लोग को तो दिन भर में 150-200-300 मैसेज आता रहता है, सबका रिएक्शन आता रहता है, जो अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है कॉमन पब्लिक से, वो भी बिना जाने की, बस सबको ये लग रहा है कि कुछ होगा, सही में कुछ होगा, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को आज क्या क्या हम लोगों ने प्लान किया है, और आप लोगों से भी उसका सुझाव लेंगे और हम लोग मिल के प्लान करेंगे कि क्या क्या इस आपके शहर को चाहिए। हमको तो 5 महीना हुआ है यहाँ पर, जितना दिन मेरा कार्यकाल रहेगा रहेंगे उसका, चले पूर्णिया से ना हमें कोई लेना देना है, पहली बार पूर्णिया है चार्ज लेने के लिए, उसके यहाँ जाएंगे उसके बाद कब आएंगे कुछ अता पता, तो मेरा कोई यहाँ पे या इनका या किसी भी पदाधिकारी का रहना है, आप भी लोग को रहना है, अच्छा होगा शहर, तो आप लोग भी उसका आनंद उठाएंगे और पूरे एरिया में उसका वो करेंगे। तो 6 दिन का आज हम लोगों ने जो ड्राइव चलाया है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ हम लोगों ने 0 माइल के लिए क्या प्लान किया है। 0 माइल पे हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे है, इस तरीके से वहाँ पे 0 माइल समझते। एक और चीज़ आप लोगों को, हम लोग का ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन में ब्लैक स्पॉट का कॉन्सेप्ट होता है। एक एरिया में अगर 4 से ज्यादा डेथ एक साल में होती है तो उसको हम लोग ब्लैक स्पॉट के नाम से उसको लिखते हैं। गुलाब बाग के एरिया में हर वर्ष करीब 16 से 20 डेथ पिछले 3 साल में एवरेज हुआ है, तो वो बहुत ही बड़ा सेंटर है रोड एक्सीडेंट्स का, जिससे जाने भी जाती हैं, गरीब लोग भी रहते हैं उसमें, समृद्ध लोग भी रहते हैं उसमें, क्योंकि रोड एक्सीडेंट तो अमीरी गरीब देख के होता नहीं है, तो वो एक हम लोग का बहुत बड़ा कंसर्न था। तो सबसे पहले तो उसको हम लोगों ने कंट्रोल करने का प्रयास किया है इसको हटा करके। दूसरा जो है, जगह बहुत ही पर्याप्त है, गंगा दार्जिलिंग पर आप लोग देखेंगे तो 200 फीट से ज़्यादा चौड़ी वो सड़क है, 200 फीट से ज़्यादा वो ज़्यादा चौड़ी है वो सड़क, तो वहाँ पे गाड़ियों को हैंडल करने की कैपेसिटी क्षमता बहुत है, लेकिन जो लैग कर रहा है वो है प्लानिंग। आज तक वहाँ पे प्लान नहीं हुआ, चीज़ें सुनियोजित तरीके से करी नहीं गई हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं या फिर कभी उस पर प्रयास भी नहीं करें, प्रयास हम लोग को करना है। जितनी आप लोग का जितना आप लोग का सहयोग होगा उतनी हम लोगों को सफलता मिलेगी। उसमें हम लोग बता देते हैं जो हम लोग का कोर 2-3 चीज़ जो है, वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक लाइट भी लगाने जा रहे हैं, तो उससे यातायात थोड़ा सा रेगुलेट होगा। जो साइड लेन्स हैं, साइड लेन को हम लोग को फंक्शनल बनाना है, वो हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जो है बाईपास, जो अभी हम लोग का गुलाब बाग में एक गेट ही अच्छे तरीके से फंक्शनल है शहर की ओर आने वाली सड़क की ओर से, बाईपास की तरफ से 0 माइल से करीब 2 किलोमीटर पहले भी एक गेट का पहले फेज का काम मंडी का हो गया है, जिसमें बाउंड्री का काम ऑलमोस्ट 60-70% हो चुका है। गुलाब बाग के पीछे बाईपास वाले रास्ते से जो गेट है,
उसको हम लोग महीने भर के अंदर फंक्शनल बना देंगे, तो उससे आधा जो ट्रैफिक का लोड है जो कि आपका कटिहार, नवगछिया, बेगूसराय, भागलपुर साइड से आ रहे हैं, तो हम लोग अधिकांशता गाड़ियों को बाईपास वाले साइड से ही अंदर लेंगे और उस गेट से लेकर के जीरो माइल तक करीब 1.5-2 किलोमीटर का भी पैदल घूम के देखे हैं, ठीक है ना, 1.5-2 किलोमीटर लंबा वो स्ट्रेच है, तो वहाँ पे हम लोग पार्किंग का स्पॉट डेवलप कर रहे हैं। 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपका कम से कम 700-800 गाड़ी तक वहाँ पे लग सकता है। खाली होने के बाद भी गाड़ियों को वहाँ पे लगवाएंगे, लोड लेने से पहले भी गाड़ी जब अंदर जितना कैपेसिटी हम लोगों का है उसके बाद जो गाड़ियाँ वेट करेंगी वो जीरो माइल पे नहीं जा करके साइन लेन को कब्जा नहीं करके जीरो माइल से पहले ही हम लोग उसको वहाँ पे वेट करो। 1000 गाड़ी का मतलब समझ लीजिए 20,000 टन माल हो गया एवरेज, तो उतना हम लोग को हैंडल करने का क्षमता एक एक्स्ट्रा हम लोग के पास आ जाएगा। तो इसके बाद वहाँ हम लोग जो जीरो माइल है उस पर बहुत अच्छा अभी एक नगर अभी निगम से प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है, अप्रूवल भी हो गया है, बहुत अच्छा लाइट वाला और बड़ा फाउंटेन हम लोग लगा रहे हैं जीरो माइल वाले गोल चक्कर पे, और साइड वाला जो एरिया है उसमें कल पटना से टीम भी आई थी, तो बहुत बड़ा बेंडिंग जोन हमको लगता है कम से कम 200-300 मीटर से लंबा है, क्योंकि रोड बहुत चौड़ी है वहाँ पे, नाला के बाद भी वहाँ पे करीब 20 फीट का जगह है साइड लेन में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग एक बेंडिंग जोन बनाएंगे और जितने भी लोग वहाँ पे नॉर्मल जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, तो उससे जो है वहाँ पे जो लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी भी है वो भी होगा, पब्लिक नॉइसेंस भी नहीं रहेगा, जाम वाम की समस्या भी नहीं रहेगी, एक्सीडेंट का भी कम होगा और आर्थिक गतिविधि भी बहुत वहाँ पे अच्छे सुचारू ढंग से चलेगी। तो ये हम लोग का गुलाबबाग को लेकर के प्लान है। थोड़ा सा आप लोग अगर आगे आइएगा, अभी हम लोग इस तरफ जो हम लोग ड्राइव करवा रहे हैं इसमें आज जिला परिषद का बस स्टैंड भी, बस स्टैंड हमारे शहर का बहुत बड़ा समस्या है, आप लोग देख रहे हैं प्रयास किया जा रहा है लैंड लेने के लिए, विभाग का भी एक्वायर करने का भी 2-3 जगह भी चिन्हित है, लैंड एक्वायर होना उसकी प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हमारे जिला परिषद के पास भी 11-12 एकड़ का है, बीघर का जिला परिषद का बस स्टैंड है, उसको भी हम लोग देखे करीब 100 से ज़्यादा बस उसमें लगने की का स्पेस है, अभी 30 से 40 बस ऐसी है जो वर्षों से ख़राब है, अबैंडन है, उसमें रखा है जगह, और करीब 20 से 30% जगह इसके बाद वैसी है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है, उसको हम लोग डेवलप करके इस बस स्टैंड को भी फंक्शनल हम लोग लग रहे हैं, महीने भर के अंदर बहुत अच्छा हम लोग को नया रूप बस स्टैंड का भी दिखेगा। तीसरा जो यहाँ पे हम लोग का विकास मार्केट और बहुमंजिलियर मार्केट और जिला परिषद का रिश्ता जो है उसका भी कल हम लोगों ने पटना से टीम बुलवाया था अर्बन लाइवलीहुड मिशन का, तो उसमें जो भी फर्स्ट फ्लोर तक एक ही फ्लोर उसमें बना हुआ है उसके ऊपर बस स्टैंड के सामने वाला जो विकास मार्केट है उसका अच्छा एक प्लान हम लोग बना रहे हैं, ऊपर 3 फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से जितने दुकान नीचे हैं उतना ही दुकान हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भी बना देंगे, ये कॉन्क्रीट वाला और ऐसा नहीं रहेगा, 3 फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का हम लोग रखेंगे, 2 महीने से 2.5 महीने में बन के भी कंप्लीट हो जाएगा, 7 से 10 दिन में हम लोग उसके अलॉटमेंट का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, लॉटरी के माध्यम से मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि हम लोग आवेदन लेंगे यहाँ पे लोकल मैपिंग करके और सबके सामने यहीं बिठा करके लॉटरी के माध्यम से सबको आवंटन भी करेंगे, जो जो लोग डिस्प्लेस में सबका लिस्ट है हम लोगों के पास जिनका जिनका अतिक्रमण करके हम लोगों ने हटाया है सबकी सूची है उनके साथ हम लोग सबको विकास भवन के टॉप फ्लोर पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एक है रास्ता, और भी पीछे कुछ जगह बची है तो वहाँ भी कुछ और दुकान बनाने का है तो वो भी हम लोग उसको बनवा रहे हैं। तीसरा जो है जिला परिषद और नगर निगम और सरकारी जो भी ब्लॉक के द्वारा बनाया गया है सब पे इसी पद्धति से, क्योंकि पुरानी भवन है, पुरानी संरचनाएँ हैं, तो उस पर कंक्रीट का बनाने से क्या लोड होगा नहीं होगा, लेकिन सबसे सेफ तरीका और सबसे सुंदर वो यूनिफॉर्म रहेगा, बहुत अच्छा आप लोग को देखने में भी सौंदर्यीकरण भी होगा और दुकान भी बन जाएगा जिससे लोगों को अपने व्यापार में अपने काम करने में बहुत सहूलियत होगी। तो जिला परिषद और नगर निगम वाले पे भी सारी दुकानों पे हम लोग ऊपर एक एक और बनाने जा रहे हैं, 3 फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वाला वायरन फ्रेम पर लगेगा, तो उससे काफ़ी हमको लगता है कि 500 से अधिक हम लोगों ने अभी प्रोसेस किया है, 500 से अधिक दुकान जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको ऊपर दिया जाएगा तो उसको उसमें शिफ्ट करा दिया जाएगा।
वेंडिंग जोन के लिए खुशकी बाग का इलाका भी चिन्हित हो गया है। वहाँ पे फल सब्जी वालों के लिए वेंडिंग जोन हम लोग रेड क्रॉसिंग के बाएं साइड में बड़ी जगह है, उसका हम लोगों ने सर्वे किया है। वहाँ पे हम लोग वेंडिंग जोन बनवा रहे हैं। पशुपालन कार्यालय के पास भी एक जगह चिन्हित हुआ है और गुलाब बाग के एरिया में भी वो हुआ है। अपना बड़ा शहर, उसमें जन सुविधाओं के लिए भी उसको जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है। जीरो माइल के पास लाइन बाजार में, अड्डा बाजार में, आर एम सा चौक के पास, अपना बस स्टैंड के पास, मरंगा वाले के पास और हरदा, ये 5-6-7-8 जगह है जहाँ पे अच्छी जन सुविधाओं की फैसिलिटी जो है हम लोग टॉयलेट वाला बढ़िया बनवा करके आउटसोर्स करेंगे ताकि लोगों को उसकी भी सुविधा हो, असुविधा नहीं झेलना पड़े। जहाँ पास लोग आते हैं, दिन भर शहर में रहते हैं फिर जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा फीडबैक ऐसा मिला है जब कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और हम लोगों ने भी कुछ फील किया, तो वो हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। मरंगा के पास जो डाइवर्जन है, नया बाईपास और पुराना शहर की ओर आने वाली जो ट्राई जंक्शन है, उसका भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। शहर में एंट्री का पॉइंट है वो, तो वहाँ पे भी हम लोग उसका डेवलपमेंट का प्लान बना रहे हैं, वहाँ पे भी करेंगे। उसके बाद आपका इस तरफ से जो हम लोग आते हैं NH 57 से 31 जो भागलपुर की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हरदा में भी वहाँ पे हम लोग एक मॉडल हार्ट बनाने जा रहे हैं। जो जाम की समस्या रहती है और सैरात भी है और कुछ अवैध अतिक्रमण भी है उसमें, तो अतिक्रमण हटा करके हम लोग को वहाँ पे भी सड़क काफ़ी चौड़ी है, साइड लेन पूरा ब्लॉक है, तो शहर में घुसते ही आपके इस शहर ही ज़िला में घुसते ही और वहाँ तक शहर समझ लीजिए हो ही गया है, तो ज़िला में घुसते ही जो साफ़ सफाई और जो एक आपको लगना चाहिए वो आपको हरदा में भी दिखेगा। तो हम लोग का ड्राइव का अगला चरण हम लोग हरदा की ओर करेंगे। और बाकी जो बीच में शहर में अभी आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो अभी आदर्श आचार संहिता अभी भी लगा है, तो हमारा ट्रैफिक में 7-8 जगहों पर ट्रैफिक का कटिहार मोड़ पे, खुशकी बाग में, आलमचार चौक पे, ओल्ड कंपनी चौक पे, गिरजा चौक पे, जीरो माइल पे 6-7 जगह है, वहाँ पर अच्छा आपका ट्रैफिक लाइट टाइम डिस्प्ले के साथ लगने जा रहा है। टेंडर फाइनल भी हो चुका है उसका, चुनाव के कारण उस पर रोक लगा हुआ है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। शहर में आप लोग गुलाब बाग में भी, मेटा बाजार में भी और कई जगहों पर ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे जल जमाव रहता है और काफ़ी परेशानी होती है। 2 से 3 महीनों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बारिश के टाइम में परेशानी है, तो इस बार हम लोगों ने कुछ पंप नगर सब लोग देख रहे होंगे निगम में इक्विपमेंट्स, चाहे वो फॉगिंग की मशीन हो, पटना जिला के बाद हम लोग का VCO था, सबसे ज़्यादा फॉगिंग मशीन अब हम लोग के पास हो गया है, उसको तो चलवाने का भी पूरा हम लोग करवा रहे हैं। कचरा उठाने का भी जो मशीन है या बाकी मशीन्स जो भी नगर निगम के पास होनी चाहिए वो सारी कुछ एक इस साल लोगों ने उपलब्ध कराया है, और ज़रूरत होगा तो हम लोग कॉल करेंगे। तो एक नाला तो बनने का ओरिएंटेशन है, 2-3 हम लोग उस पर प्लान कर रहे हैं, काफ़ी पूरे ड्राइव में हम लोग ये फील कर रहे हैं कि शहर का पानी जब तक निकलेगा नहीं नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, मरंगा के आगे या फिर जो कोसी नहर वाली साइड है बाईपास से दक्षिण, तब तक हम लोग इसका पूरा एक होलिस्टिक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ का पानी वहाँ, वहाँ का पानी वहाँ, वही होता रहेगा, तो इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन लाइन बाजार, घंटा बाजार, गुलाब बाग वाले एरिया में उसमें भी 3-4 नाला हम लोग का प्रपोज्ड है, टेंडर भी हो गया है, ये आदर्श आचार संहिता हटते ही उस पर काम भी हम लोग शुरू कर देंगे। पार्किंग जोन भी रेलिंग लग गया, चुनाव शुरू हो गया, अंदर पेवर टाइल्स लगवाना है जिससे स्पोर्ट लेवल हो जाए, गाड़ियाँ लग सकें, वो काम नहीं हो पाया है, वो भी हम लोग ये सब चीज़ तो टेंडर हो चुका है। जैसे ही हम लोग चुनाव का वेट नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग से इसको छूट के लिए हम लोगों ने लिखा है पत्र, छूट मिलने की बात भी हो गई है चुनाव आयोग महोदय से, तो हम लोग उसको छुट्टी मिलते ही, हम लोग को छूट मिलते ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। तीसरा एक और हम लोग चीज़ जो हम लोग करने जा रहे हैं शहर के अंदर ही, वो हम लोग का एक हम लोग सौरा नदी पे उसका ख्याल के लिए टीम आ रही है। सौरा नदी पे हम लोग सौरा सफारी, रिवर सफारी शुरू करने जा रहे हैं, कप्तान पुल से लेकर के आपका काली मंदिर तक उसका 2 पॉइंट रहेगा। आप कप्तान पुल पे भी नाव पे चढ़ सकते हैं, काली मंदिर तक जा सकते हैं, मंदिर पे भी चढ़ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं, तो एक रूट है करीब 2 किलोमीटर का। तो ये भी हम लोग डिपार्टमेंट से पर्यटन विभाग से बात हुई है, तो
बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में मुझे लगता है ये वाला प्रोजेक्ट भी हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो शहर में भी एक जो आपका सुंदर शहर है, जो नेचुरल फीचर्स हैं यहाँ पे, उसका आप लोग आनंद उठा पाइएगा। काजापूर्ति वाली बात है तो उसका भी DPR विभाग के द्वारा फाइनल कर दिया गया है। सरकार के स्तर से अनुमोदन होते ही काजापूर्ति भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा, ठीक ठाक उसका भी DPR बन गया है। वहाँ पे रहने की सुविधा, खाने पीने की और अपना लेजरली एक्टिविटी करने का, आप लोग का काजापूर्ति बहुत कम ड्राइविंग डिस्टेंस पे है, वो आप लोग उसका भी आनंद उठा सकते। तो ये चीज़ है जो हम लोगों ने इसको प्लान किया है और अपने रिसोर्स के अंतर्गत, अपने रिसोर्स के दायरे में इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी ये अनुरोध है कि आप लोग भी इस पर हम लोग को सुझाव दीजिए कि और किन जगहों पर क्या क्या हो सकता है, ताकि जो भी फीडबैक आएगा उसको हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए और बेटर प्लानिंग करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग अपने शहर पे, इस शहर के आप लोग नागरिक हैं, आप लोग को अपने ही शहर पे गर्व हो। यही हम लोग की जिला प्रशासन की इच्छा है और हम लोग पूरी कोशिश के साथ इसको लग करके 100 नहीं 110% प्रयास हम लोग सब लोग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, जो देख रहे हैं तो उसमें किसी के भी मंशा में कहीं भी किसी प्रकार से कोई खोज नहीं है कि आपको घर हो। और इस पूरे इलाके में दुनिया जब लोगों आए आने वाले समय में, तो उनको लगे कि हाँ कुछ भी कुछ बेहतर हुआ है। और वो आप लोग के सहयोग के बिना, अगर आप लोग का सहयोग नहीं हो, छोटा सा गांव में जब जाते हैं अतिक्रमण हटाने हम लोग कोर्ट के आदेश वाला, उस पर तो पत्थर खा करके और हम लोग वापस हो आते हैं। तो जब ड्राइव आज 6 दिन कम्प्लीट हुआ है, कितनी दूरी हुई है आप लोग भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से सारा कुछ। अब देखिए, एक कन्फ्यूजन आप लोग और है, वो भी हम बता देते हैं। जो पक्का कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा आगे निकला गया है, उसमें कई दुकानों पे नोटिस चिपका है, आप अभी भी देख सकते हैं जाकर के, उसको कुछ नहीं किया गया है, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए सफिशेंट टाइम दिया गया है। अनाउंसमेंट आपको भी पता है, 3 महीने से अनाउंसमेंट हो रहा है, रोक रोक करके हर महीने अनाउंसमेंट हुआ है, इस ड्राइव के पहले भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसको वो करा के कच्चा हम लोग उसको हटा सकते हैं। फाइन को लेकर के कुछ लोगों का है, आप देखेंगे सेक्शन जब देखेंगे नए वाले नगर निगम वाले का, तो प्रशासन को 20,000 तक फाइन करने की शक्ति है और नगर निगम को 1,00,000 से 10,00,000 रुपये तक फाइन करने की शक्ति है नए नगर निगम के कानून में। तो कानून का पालन, कानून का जवाब दे ही सकती है ना, कोर्ट है, नियम कानून, अपने मन से कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक जो शक्तियाँ मिली हुई हैं उसका ही उपयोग किया गया है निगम के द्वारा उसको करने में। लेकिन ये है, आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, कल रात को कुछ लोगों ने बताया कि लोग खुद से अपना हटा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों के मन में भी जो ये बात है कि आज तक सर कभी हुआ नहीं, तो पता ही नहीं चला कि नियम क्या है, कानून क्या है, कहाँ पास कराना है, कहाँ तक हम है, कहाँ तक वो है। अब जब लोगों को पता चल गया तो लोग खुद सहयोग कर रहे हैं। हम लोग तो रोड के एक ही साइड हटा रहे हैं, दूसरा है तो अपने आप फट गया। तो अगर वो सही रहेगा, अगर वो सही रहता तो एक ठेला भी कोई हटाता है क्या, है गाड़ी भी एक बाइक हटाता है क्या अपनी जगह से? कोई हरदा तक सर खाली हो गया है इस तरफ से, तो पता है ना। जब लोगों को जानते, इसीलिए आप लोग सब लोग बधाई के पात्र हैं कि जैसे ही आप लोग को जानकारी मिली, गलत है तो 99% लोग जान ही रहे थे, कितने गलत हैं जैसे ही उसकी जानकारी लोग खुद हटा रहे हैं।